स्वागत है सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आज है संडे और संडे को मैं व्लॉग शूट करने के लिए निकल चुका हूँ। आज मैं जा रहा हूँ जूहू चौपाटी। कौन सी वाली वो तो नहीं पता, भी देखेंगे सांता क्रूज वाली है या विले पार्ले वाली है, देखेंगे और जाकर देखेंगे क्या खुला है क्या बंद है अभी। और आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो मैं बोला चलो जा ही रहा हूँ तो थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। तो मेरा मन हुआ तो थोड़ा मोटो व्लॉगिंग भी कर लिया। बहुत टाइम हो गया अजमेर से आने के बाद में, मैं बहुत दिनों के बाद में भी व्लॉग डाल रहा हूँ। लगभग एक से डेढ़ महीना हो गया अजमेर से मुझे आके, व्लॉग में नहीं डाल पाया था अजमेर में भी, प्रॉपर व्लॉग में नहीं डाल पाया डेली के। तो जैसा भी रहेगा एडजस्ट करेंगे। अभी सोचा हूँ धीरे धीरे फिर से एक लीड बनाया हूँ कि मतलब अभी व्लॉग आते रहे डेली के। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप अपना किधर का बनेगा, फिर यही दिखा दूँ। चलो फिर देखते हैं, आप लोगों को मिलता हूँ मैं सीधा फिर आगे। अभी मैं आगे आगे आपको दिखाता हूँ सीन क्या है। करते भीड़ तो बहुत है, मतलब पहले से ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये है जूहू चौपाटी, ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो चुका है। और अभी मैं शाम के 4:45 बज रहे, 4:45 बजे मैं इधर आया हूँ। देखिए आपको कितनी यहाँ पर, मतलब कितना भीड़ है, क्या है, सब ऑलमोस्ट रेडी है। सब कुछ ओपन हो चुका है, होटल भी ओपन है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि मतलब अब पहले ऐसा कुछ हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और क्राउड होगा इधर पे। इधर ही शाम का स्टार्टिंग का टाइम है, अभी 5 बजे, तो 5 बजे के टाइम पे इतना आपको दिखेगा क्राउड। इसके बाद में अभी बोल नहीं सकते, और गर्दी शायद बढ़ जाए, आज संडे भी है। तो गाइस देखिए, हम लोग ये साइड में जो है आपको बोटिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको बोटिंग वगैरह करना है तो वो सामने देखिए, वो सामने बोटिंग वगैरह हो रही है, वो देखिए वो साइड में आपको बोटिंग वगैरह सब मिल जाएगा। और यहाँ के पे बंगले है, मतलब 2-3 दिन अभी, अभी तो टाइम हुआ नहीं है, अभी तो 5:05 हो रहा है, तो इतना मतलब क्राउड है। और जैसे शाम होती जाएगी तो और क्राउड होते जाएगा। अभी टाइमिंग पता नहीं क्या है यहाँ का, कितने बजे ओपन होगा या कितने बजे क्लोज होता है वो तो नहीं पता, बट है अभी कि अब आ सकते हो। और ये देखिए गाइस, इधर पे ये सामने होटल्स है, यहाँ से ये गेट से एंट्री ली हम लोग ने। देखा आपने, मैं भी थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा सीन दिखाया आपको, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, नॉर्मल है। और मास्क लेकिन लगा के रखना। अब यहाँ पे जो गाड़ी घूम रही है, पकड़ी किसी को नहीं, गाड़ी पर घूम रही है पुलिस वालों की जीप है, पता नहीं मास्क के लिए बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो तो नहीं पता। बाकी हवा बहुत चल रही है और बहुत टाइम के बाद में मैं आज जो आया, बहुत आना तो होता है लेकिन कभी रुका नहीं मैं आके, यहाँ पे हमेशा एक बार आके बैठा था रात में। तो मैंने बोला सुना आपका व्लॉग होना चाहिए शूट, तो वो हिसाब से मैंने व्लॉग शूट किया आज का। आपको ब्लॉग कैसा लगा बताना। और एक चीज़, मेरी एक बहन है, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, अगर आप में से किसी को भी, जो कोई भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है, उनका जो कंटेंट है वो है जो भी रेसिपीज वगैरह रहती है, जो भी खाना वगैरह बनाते, लाइक नए नए डिशेज वगैरह होती जो वो बनाना सिखाते और वो बना करके आप लोगों को बताते हैं। तो उनके चैनल का नाम है किचन लाइफस्टाइल विद इरफाना कुरैशी। हर चीज़ की रेसिपी वगैरह जो है वो मतलब इस पर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर के अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोगों को रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप लोग भी उनको भी सपोर्ट कीजिए, जैसे कि मुझे कर रहे हो, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे दिख के आ रहा है। तो इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा उनका भी कुछ हो जाए, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। अभी नया नया उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, और उनका बता दूँ वो है अभी इस वक्त जो है दुबई में है, तो वहाँ के बारे में भी वो बता रहे हैं क्या क्या है वहाँ पे, भी क्या चीज़ की मतलब इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके वो भी कोशिश कर रहे देने की। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप लोग उनके भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और उनकी भी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और जो कुछ सीखने मिले आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी सब बढ़िया है। एक्चुअल में अमिताभ बच्चन जी का जो बंगला है, जो लेन से एकदम सीधा आते हैं, हम लोग वहाँ से आए, हम लोग ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि पता है कि वो साइड पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो वो साइड पर हम लोग नहीं गए। मेन जो जू का जो हेलीकॉप्टर या एयरपोर्ट जो भी लैंड हो जाए, जू के एयरपोर्ट पे नहीं गए हम लोग, वो साइड से नहीं गए। वो साइड दिख रहा है यहाँ से, बट बहुत भीड़ है वहाँ पर, यहाँ के मुकाबले वहाँ बहुत भीड़ है। मगर कैमरे में दिखाने की कोशिश कर तो दिखेगा नहीं दिखेगा पता। ठीक है गाइस, ये इधर का है तो वो उधर का है, वहाँ देखिए भीड़ देखिए, वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसीलिए हम लोग क्या वहाँ नहीं गए, यहाँ पे आ गए। और आप लोग अभी मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं भी नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का बनाऊँ। अभी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग चल रहा है, दिमाग में मेरे प्लान चल रहा है, थोड़ा खुराफाती आइडिया आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग रुक गए, थोड़ा सा लेट होगा चलेगा, लेकिन आप लोग एकदम तगड़ा वाला कंटेंट दूंगा लाके। अभी छोटा सा जूका ही ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। लोगों ने ब्लॉग नहीं देखे तो अजमेर का मैंने ब्लॉग का अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आप लोगों को वहाँ पे प्लेलिस्ट में अजमेर के ब्लॉग का दिख जाएगा। और क्या बताएं, बाकी सब बढ़िया है, बस यही बताना था। और ज़्यादातर मैं गाइस देख रहा हूँ आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हो बट सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, लाइक भी कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डिसलाइक करोगे तो भी पता चलेगा कि मैं ये समझूंगा कि हाँ चलो मेरी वीडियो में कोई कुछ तो मतलब प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा चेक कर रहा हूँ वीडियोस, क्या मतलब मेरे पुराने व्लॉग्स में और अभी के व्लॉग में क्या फ़र्क हो रहा है। चलिए फिर आप लोगों को मिलता हूँ आगे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू लाइव रिव्यू सून।